हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाने का अलग ही मजा होता है। और जैसे कि आगे त्योहार आने वाला है लोहड़ी का, तो इस दौरान भी मूंगफली और साथ ही गुड़ और तिल से बनी हुई काफी चीजें जो है सेवन में ली जाती हैं। काफी चीजें इस दौरान त्योहार में बनाई जाती है और खरीदी भी जाती है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं तो क्या आपको इस दौरान मूंगफली का सेवन, तिल और गुड़ से बनी चीजें जैसे कि चिक्की हो गई, तिल के लड्डू हो गए, रेवड़ी इत्यादि जो भी आइटम्स खाए जाते हैं इस त्योहार के दौरान, ये खाना गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है या नहीं होता है, यही मैं आज आपको स्टूडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ स्टूडियो में बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए, और मेरे चैनल वन इन्फॉर्मेशन को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। टाइम पास करने के लिए मूंगफली खाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि मूंगफली में प्रोटीन, फोलेट, फाइबर, फॉलिक एसिड इत्यादि भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्म चीजें खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी गर्भावस्था में कई दिक्कतें पैदा कर सकती है। और मूंगफली जो होती है वो गर्म प्रवृत्ति की होती है, तो इस दौरान अगर आप मूंगफली खा रही है, मूंगफली खाना वैसे तो सुरक्षित होता है, सेफ होता है, लेकिन अगर आप संतुलित मात्रा में इसका सेवन कर रही है तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और यदि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम गर्भवती महिलाओं को हो जाती है, तो मूंगफली खाने से कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है। ये आपके शरीर में खून की कमी को नहीं होने देता है, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, नींद बेहतर लाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है और आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है कैल्शियम और विटामिन डी। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपकी प्रेगनेंसी की अगर 8वें और 9वें महीने चल रहे हैं तो आपको मूंगफली खाते समय इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो मूंगफली का छिलका होता है, यानी कि जो गाजरी कलर का छिलका होता है, उसे उतार कर ही आपको मूंगफली खानी चाहिए, क्योंकि जो गाजरी कलर का छिलका होता है ये कभी कभी आपकी खांसी का कारण बन जाता है। और प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में अगर आपको खांसी अधिक हो जाती है तो इससे आपके पेट पर जोर पड़ता है, और जिसके कारण आपके पेट में खिंचाव हो सकता है और आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है। ये तो बात हो गई प्रेगनेंसी के दौरान मूंगफली खाने के संबंध में। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान तिल या फिर तिल से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले ये जान लेते हैं कि तिल में ऐसा क्या क्या होता है जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, तिल में कैल्शियम, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा कैल्शियम और आयरन भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और इन सब पौष्टिक चीजों की जरूरत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान तिल खाने के संबंध में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, अलग अलग राय है। ऐसा माना जाता है कि जो तिल होता है वो गर्म तासीर का होता है, गर्म प्रवृत्ति का होता है, जो की गर्भावस्था के दौरान माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक, इसलिए अगर आप संतुलित मात्रा में इसका सेवन करती है तो ये बच्चे और आपके लिए दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। आप इस दौरान तिल के लड्डू खा सकती हैं, तिल से बनी रेवड़ी खा सकती हैं, चिक्की खा सकती हैं, गजक खा सकती हैं। तिल का सेवन इस दौरान करने के फायदों में आपको बता देती हूँ कि जैसे गर्भावस्था के दौरान कब्ज की समस्या बहुत ही ज्यादा आम हो जाती है, तो अगर आप इसे संतुलित मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया जो होती है वो ठीक रहती है। तिल खाने से इस दौरान आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी स्ट्रांग होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं उससे भी तिल आपको प्रोटेक्ट करता है। ज्यादातर महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इस दौरान आप तिल का सेवन कर सकती है। तिल जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावर बूस्टर होता है, ये मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को मजबूत बनाने के लिए और शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। तो दोस्तों, जैसे लोहड़ी का पर्व आगे आने वाला है तो इस दौरान आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप आराम से इन चीजों का सेवन कर सकती हैं, लेकिन संतुलित मात्रा में इनका सेवन करिए, क्योंकि ये बात सच है कि ये चीजें जो है गर्म तासीर की होती है, इसलिए इन चीजों का सेवन जो है सर्दियों में ही किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल वन इन्फॉर्मेशन को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।